Hello viewers, this is R.K. Azad, Prime News TV Today. देश को आजाद हुए आज तकरीबन 75 साल होने को आया, लेकिन इतनी फिरकापरस्ती, इंतजार पसंदी और इंतजार पसंदी आज तक देखने में नहीं आया। सदियों से जब राजा महाराजा बादशाह और शहंशाह इस मुल्क पर हुकूमत किया करते थे, उस वक्त भी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम को अपनी दो आंख के बराबर कहा करते थे। अकबर आजम ने अपने महलों में मंदिरें बनवाई और मराठाओं खास तौर पर शिवाजी के सेनापति और महाफिज मुसलमान ही होते थे और उन्होंने भी कई मस्जिदें तामीर की। निज़ाम उस्मान अली खान हिंदू मुसलमान को अपनी दो आंख कहते थे। जब हाईकोर्ट की तामीर हो रही थी, वहाँ एक छोटी सी मंदिर थी, इंजीनियर्स ने उसको हटाने की बात की मगर निज़ाम ने मना कर दिया और आज वो मंदिर एक वसी होकर इबादतें जारी है। निज़ाम ने ही अकन्ना मादन्ना मंदिर को तरक्की दी, वहाँ भी इबादतें जारी है। निज़ाम शुगर फैक्ट्री बनाई तो उसके साथ वहाँ पर एक आलिशान मंदिर और मस्जिद कायम की जहाँ पर इबादतें जारी है। लेकिन ये चार मीनार और मस्जिद एक तारीखी हकीकत आज भी किताबों में मौजूद है। जब औरंगजेब रहमतुल्ला अलैह गोलकुंडा फतेह करने के बाद शहर का जायजा लेने निकले, चूंकि वो एक दीनदार ईमानदार हकपरस्त बादशाह थे, वो कई बेकार और झूठ पर मुबनी कायम इमारतों को बर्खास्त कर दिया करते थे। वो जब यहाँ आए और देखा तो अपने रुफा से दरियाफ्त किया कि क्यों इतनी बड़ी इमारत यहाँ पर बीचों बीच कायम है। तो रुफा ने कहा कि सरकार, ये चार मीनार है। मजीद उन्होंने इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की तो बाद में रुफा ने बताया कि उस पर एक दीनी मदरसा और मस्जिद भी है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त बरजस्ता कहा कि क्यों तुम लोग इसको सिर्फ चार मीनार कह रहे हो, यह पूरी इमारत मस्जिद है और इसको चार मीनार मस्जिद कहना चाहिए। नीचे से ऊपर तक सिर्फ मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, मगर हमारे लोगों की नादानी, कमजोरी, खामोशी और गलत बयानी का ही नतीजा है कि आज ये मस्जिद इस हाल में है। तारीखी गोलकुंडे में बोनाल वो इबादत की इजाज़त, तो वहाँ मौजूद मस्जिदों में नमाजों की इजाज़त क्यों नहीं? चार मीनार के नीचे की इजाज़त, तो ऊपर जायज़ कानूनी तौर पर मौजूद मस्जिद में नमाजों की क्यों नहीं? हुकूमत और ASI को गैर जानबदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस इबादतगाह को कायम हुए 400 बरसों से ज़्यादा का अरसा हो गया। इस तवील अरसे में कई मौलिक वबाएं, बीमारियां और कई तोखानियां आए और चले गए, मगर इस इबादत और इमारत को जर्रा बराबर भी धक्का नहीं पहुंचा। पहुंचता भी कैसे? ये तो अल्लाह का घर है जो ता कयामत रहेगा और इंशाल्लाह यहां पर अजानें गूंजेंगी और नमाजें भी होंगी। हमारा देश एकता, अखंडता, हक और इंसाफ और सबके साथ मसावी बर्ताव, मसावी कानून का दस्तूर रखने वाला देश है। इसकी बुनियादों और मट्टी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारगी मिली हुई है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। यही हमारे देश की तारीख है। इस तारीखी खूबसूरत इबादतगाह के ताल्लुक से हमारे सर्वे टीम ने जब आवाम से बात की तो वो गम और बेचैनी का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे पास कई अनगिनत मजहबी, सियासी और समाजी जमातें मौजूद है और उलमाए दीन और मुशायखीन की बहुत बड़ी तादाद रहने के बावजूद इस हक, इंसाफ व कानूनी हैसियत रखने वाले मसले पर खामोशी माने खेज है। एक अरसे से एक एक आम आदमी इस मसले पर आवाज़ उठाता रहा है, मगर खास लोग न जाने किस खौफ और डर के माहौल में मुब्तला है। आवाम ने कहा कि हमको हमारे दस्तूरी हक, इंसाफ, कौमी यकजहती, अमन व अमां पर पूरा यकीन है। एक ना एक दिन जरूर इंसाफ होगा। आज के इस पुराशोभ माहौल में हमको तमाम गैराबाद मसाजिद को आबाद करना पड़ेगा। बिलाज मसलों को सियासी वाबस्तगी, कम से कम अल्लाह के घरों के लिए इतफाक और राय और इत्याद का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हमारे शहर व अतराफ व अखनाफ
कि मसाजिद की हिफाजत और उनमें नमाजें अदा नहीं कर सकते तो हमको पूरे मुल्क के मसाजिद के तालुक से बात करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आइए उठिए और शुरुआत कीजिए अपने महले अपना शहर वो अतराफ व अकनाफ फिर रियासत और बाद अजाम मुल्क के मसाजिद पर बात करना। हमारे आस पास खरीब व जवार में कई मस्जिदें खंडेरों में तब्दील होकर गैर आबाद हो गई और हम बाबरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा की बात कर रहे हैं। हम उसके लिए भी जरूर आवाज उठाएंगे मगर पहले हमको क्या करना है इस पर गौर व खौज कीजिए और फैसला आप खुद कीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा दस्तूर हमको इसकी पूरी इजाजत देता है। हम पूरे अमन शांति और नेशनल इंटीग्रिटी के साथ हमको हमारा मजहब और हमारी शरीयत ये कहती है कि अब इस सरजमीन पर एक बार मस्जिद कायम हो जाए तो ताक़यामत वो जगह सिर्फ मस्जिद ही रहती है, ना उसको कोई हटा सकता है ना उसका कोई नेमुल बदल होता है। वक्त का बादशाह हो या कोई आलिम और मुफ्ती भी इसमें रत्ती बराबर भी रद्द बदल नहीं कर सकता। आवाम ने कहा कि हमको हमारे दस्तूरी हक इंसाफ कौमी यकजहती अमन व आमा पर पूरा यकीन है, एक ना एक दिन जरूर इंसाफ होगा और यहाँ से अजानें गूंजेगी।